तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपन कहाँ पर हैं ये थोड़ा सा बताइए। क्या नाम है आपका? बारमल गुजर। और कहाँ से हैं सर? मैं रूपनगढ़ से। रूपनगढ़ से? हाँ जी। खास रूपनगढ़ से कि आगे पीछे? नहीं, पड़ोस में कल्याणपुरा। कल्याणपुरा, क्योंकि मैं रूपनगढ़ गया हुआ हूँ। हाँ, और इसके आसपास का क्षेत्र भी मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो कल्याणपुरा से। और वहाँ से यहाँ बकरियों के लिए ही आते हैं। हाँ। तो सर कौन कौन है अभी आपके साथ यहाँ पर? कौन है? पूरा परिवार ही आते? हाँ, परिवार सही थी। परिवार सही थी? हाँ जी। और केवल बकरियों के ऊपर निर्भर है? बिल्कुल, है ना। हाँ। तो हमारा जो अभी आज का जो वीडियो है या सीरीज, हम तो आपकी बकरियाँ देखेंगे ही, परंतु जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि यार बकरी के ऊपर ही ये निर्भर है पूरे परिवार वाले। और करीबन यहाँ से कितना दूर होगा सर ये? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर? हाँ जी। और ये बकरियाँ चराते हुए लेकर आते हैं? हाँ। और कितने दिनों तक यहाँ पे रुकते हैं ये थोड़ा सा बताइए। मैं हाँ। 6 महीना रुक जाओ, 10 महीना, 12 महीना कर दिए हैं। जहाँ जैसा चारे की व्यवस्था हाँ। रहती है उस हिसाब से, है ना, रुक जाते हैं। हाँ, और यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो अभी जैसे हम बात करें तो कि इस क्षेत्र में जैसे अभी कहाँ पर है ये थोड़ा सा बताइए। सिंगोद खुर्द। सिंगोद खुर्द? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है सर? ये चोमू में पड़ता है। चोमू के पास पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं और इस जगह को नहीं जानते होंगे, तो जो मैं बताना चाहूँगा कि जो सिंगोद खुर्द है वो चोमू के पास है। हाँ जी। चोमू से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हाँ जी। और जनरली यहाँ पर गुजरी बेल्ट है, गुजरी का ही पालन होता है। और ये जो है भाई साहब, ये यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर बकरियों का पालन करते हैं। अभी आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ होंगी? सिरोही और गुजरी। कुछ बकरियां दिखाते जाइए, उनकी खूबियां दिखाते जाइए, फिर अपन और भी बातें करेंगे आपसे किस तरीके से आप इनका पालन करते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को आप बकरियां पकड़ पकड़ के दिखाते जाइए। हाँ। तो जो अभी आपने पकड़ी हुई है इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। ये क्या कितने दिन की हो गई है, कब से अपने पास? ये 1.5 साल की। 1.5 साल की? हाँ जी। एक ही बार बच्चे लिए हैं आपने? हाँ जी। थोड़ी जल्दी नहीं ले लिए थे बच्चे? हाँ, क्योंकि हाँ। आपके यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जनरली जब तक 1.5 साल की बकरी नहीं होती है तो 2 साल के होते हैं, जब 2 साल के होते हैं बच्चे देती हैं। बहुत बढ़िया। दूध देने की क्षमता क्या है सर इसकी? इसकी है साहब 3-4 लीटर की। 3-4 लीटर? हाँ जी। बहुत बढ़िया। एक दो और बकरियाँ देखते हैं, जैसे ये सामने खड़ी है, ये देखिए, ये देखिए, पकड़ लीजिए, बेहतरीन। ये अजमेरी में वाइट कान आना मुर्री, देखिए आप। और इससे कितने बार बच्चे लिए आपने? फर्स्ट बार, आपके दूसरी बार देगी। आपकी दूसरी बार? हाँ, देगी। बहुत बढ़िया। और कितने बच्चे लेकर आती हैं ये? ये 2 या 3, एक दो तीन एक। हाँ। जहाँ जैसा रहता। हाँ। अभी अपने पास कितनी होंगी सर बकरियां टोटल? 50 खोज। 50? हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए, मेहनत तो है भाई बकरी पालन में। ये देखिए, ये परिवार जो है, पूरा परिवार। इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, इसको बताओ, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ जी। ये कितने ब्यात में है? फर्स्ट बार। एक बार बच्चे दे चुकी है। हाँ, अब क्रॉस कराए हैं। हाँ, कराए हैं आपने? हाँ, दूसरी बार के लिए। हाँ जी। क्या उम्र होगी भाई इसकी? इसकी 1.5 साल है। 1.5 साल होगी। हाँ जी। बहुत अच्छा। शानदार। ये देखिए, एक ये कलर जो है वो थोड़ा सा ऐसे घुमाइए, रेयर कलर है, क्योंकि ऐसे कलर में बकरियां कम ही देखने मिलती हैं। ये शानदार। हो सकता है उसमें आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा हो, परंतु पैचेस और कलर रेयर हो गया इसका। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। ये कितने ब्यात पे है? अब दूसरी बार पे। अब दूसरी बात है। जनरली आपने यहाँ पर अपने बाड़े पर जैसे हाँ। ये 40-50 नंग जो हैं, क्या उम्र वाली बकरियाँ हैं इसमें? 2 साल बस, लास्ट 2.5 साल। लास्ट 2.5 साल? हाँ जी। तो एक बकरी को आप ज़्यादातर अपने पास
एक साल या दो साल ही रखते हैं, मैक्सिमम ढाई साल तक रखते हैं, मतलब एक बार बच्चा लेते हैं, दो बार लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताओ, हमारे भी दर्शक हैं, आप तो खैर पीढ़ियों से बकरी पालन में हैं, बहुत सारे लोग आजकल पढ़े लिखे जो युवा हैं वो इसमें आते हैं, तो एक अच्छी बकरी से अगर हम ब्यात लेना चाहें, अच्छा रिजल्ट लेना चाहें, तो किस ब्यात पे मिलता है ये थोड़ा सा बताइए। जो चार या पांचवा, चार या पांच रिजल्ट अच्छा मिलता है, और दूध देने की क्षमता क्या, कब देखने ज्यादा मिलती है, कब कौन से ब्यात पे, तीसरे ब्यात से, दूसरा या तीसरा ब्यात बकरी, मतलब अगर हमें उसका पीक देखना है कि भाई वो सबसे ज्यादा दूध कब दे रही है, तो हमें तीसरे ब्यात पर चल जा बकरी, है ना। यहाँ पर क्या क्या खाने के लिए मिल जाता है, अभी क्या क्या पत्तियाँ हैं, किस खेज लो बम टिकर रूज ये मिलती है अभी इस टाइम पे। फिर जैसे बारिश आ जाएगी तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, घर पे सूखी लूम, गुआर का चारा, अच्छा नाज, पूरे टाइम आप ग्रेजिंग पे, मतलब पूरे टाइम चराई पर ही लिए रहते हैं ना, तो अगर हम अनुमान लगाएं, कोई भी लगाए, तो भाई पर बकरी के हिसाब से एक बकरी का कितना खर्चा लमसम बैठता होगा। अब खर्चा तो साहब भेटी जावा मत, फिर भी एक अनुमान लगाएं तो क्या अनुमान होगा आपका कि भाई महीना का ज़्यादा नहीं तो 1000-1500 रुपये तो बैठते ही बैठते हैं, और जो जिस हिसाब की खिलाई करेगा, दाना है भाई उसमें, खल है, सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़, क्योंकि यहाँ पे तो मान लीजिए पानी भी कभी कभी खरीदना पड़ जाता है, मोल का ही रहता है पानी भी, है ना। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जैसे आप जो कीमत की बात अगर मैं करूँ, कोई लेना चाहता है तो क्या एक स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं आप, कितने तक की बकरियाँ आपके पास मिल जाएंगी, ये थोड़ा सा बताएं। अब आप एक या दो लेंगे तो 70-75 हज़ार से कम नहीं आएगी, 10 लेंगे आप तो 40-45 हज़ार रुपये, मतलब क्वालिटी के ऊपर, जैसे जैसे जहाँ बकरी है, बिल्कुल बिल्कुल साहब, है ना, तो उस हिसाब का फिर भाई रेट भी। हाँ बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा। तो जैसे मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप क्या बकरियां सेल करते हैं या बच्चे सेल कर देते हैं? दोनों ही सेल कर देते हैं। तो क्या उम्र पे, जैसे बच्चे सेल करते हैं तो बच्चे तो 4 या 5 महीने को, 10 महीने को, जो जरूरी लगता है कि भाई इसको आगे हमें रखना है, जो ब्रीड का है वो रख लेते हैं, बाकी 3-4 महीने पे ही सेल कर देते हैं, 10 महीने तक। और जैसे इतनी सारी बकरियां तो दूध भी तो होता होगा, तो दूध का क्या करते हैं आप, सेल यहाँ सेल करते हैं, बेचते हैं किसी? बेचते हैं। क्या रेट मिल जाता है अपने आसपास? 40-45। उसमें फैट लगाते हैं, फैट मीटर लगाते हैं कि नॉर्मली बकरी के नाम से बिक रहा है? फैट लगा के फैट बकरियों पे तो कम ही निकलता होगा, फिर भी अगर हम देखें तो गाय की भैंस की तुलना पे, है ना, 4 के आसपास रहते हैं, और इसका 30-40 रुपये लीटर का बन जाता है। जैसे अगर हम 50 बकरियों की बात करें, कितना लमसम दूध आपका बनता होगा? बाहर तो 30-35 लीटर दूध, 30-35 लीटर। जब ये अभी तो सारी ब्यायू नहीं है ना, अभी तो खाली हैं। हाँ, अभी तो मान लीजिए प्रेग्नेंट हो रही हैं, ब्रीडिंग सीजन है, फिर जब सीजन में आती हैं तो इनसे 30-40 लीटर का दूध भी हो जाता है। तो एक पहलू ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप आ रहे हैं तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। आप इनके पास पहुँच सकते हैं सिंगोट खुर्द, जो कि चौमू से 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।